स्वामी विवेकानंद की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। विवेकानंद का ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। लेकिन उन्होंने इस भाषण में क्या कहा, यह कम ही लोग बता पाते हैं। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के उस ऐतिहासिक भाषण की कुछ बातें। नंबर एक, स्वामी विवेकानंद ने अपने इस भाषण की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की थी। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस प्रेम और स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं आप सबको दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। नंबर दो, स्वामी ने अपने भाषण में आगे कहा, मंच पर बोलने वाले मैं उन सभी वक्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। नंबर तीन, इस बात का मुझे गर्व है, मैं उस धर्म से आता हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम महज सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्म को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। नंबर चार, अपने देश पर मुझे इसलिए भी गर्व होता है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। हमने अपने दिल में इसराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी है जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था, फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। नंबर पाँच, स्वामी जी ने आगे कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को अपने यहाँ शरण दी। नंबर छह, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। इस श्लोक को मैंने बचपन में याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। नंबर सात, यह ऐतिहासिक सम्मेलन आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है। मुझे इस अवसर पर गीता का एक उपदेश याद आता है, जो भी मुझ तक आता है चाहे कैसा भी हो मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं लेकिन अंत में मुझ तक पहुंचते हैं। नंबर आठ, इस खूबसूरत धरती को सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है, न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हो गई है। नंबर नौ, अंत में स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से।